इजरायली सेना इस वक्त दो मोर्चे पर भीषण जंग लड़ रही है। एक तरफ हमास के लड़ाकों का सफाया कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान में घुसकर हिजबुल्ला लड़ाकों को चुन चुन कर मार रही है, उनका खात्मा कर रही है। इजरायल ने महज 24 घंटे के अंदर हिजबुल्ला के वरिष्ठ सांसद के बेटे को हवाई हमले में मार डाला। अब्बास राद को उस वक्त हवाई हमले में ढेर कर दिया गया, मार दिया गया, जब वो हिजबुल्ला के ठिकाने से इजरायली सेना पर हमला करने जा रहा था। से लथपथ हिजबुल्ला इसराइल ने घुस कर मारा। जिस वक्त पूरी दुनिया हमास और इसराइल के बीच सीज फायर की खबरों को समझने की कोशिश कर रही है, ठीक उसी वक्त इजरायली लड़ाकू विमानों ने लेबनान में घुसकर हिजबुल्ला लड़ाकों पर भीषण हवाई हमला किया है। से 25 लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्ला के उन ठिकानों पर सटीक हमला किया है जहां से पिछले 24 घंटे में उत्तरी इसराइल पर हमले हो रहे थे। डेढ़ महीने से ज्यादा की जंग में भले ही गाजा पट्टी को इजरायली सेना ने रौंद दिया हो, लेकिन हमास का मरते दम तक साथ देने की कसम खाने वाले हिजबुल्ला ने हूथी विद्रोहियों के साथ मिलकर इसराइल को तबाह करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसराइल की स्पेशल फोर्स और घातक हवाई लड़ाकों ने लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्ला की रीढ़ तोड़ना शुरू कर दी है। अब आप ये जान लीजिए कि पिछले 24 घंटे में इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्ला लड़ाकों को कितना नुकसान पहुंचाया है। मारा गया हिजबुल्ला के सांसद का बेटा अब्बास। इजरायली सेना ने लेबनान के विद्रोही गुट हिजबुल्ला पर अपने हमले बेहद तेज कर दिए हैं। ईरान समर्थित हिजबुल्ला का दावा है कि 22 नवंबर को इजरायली हमले में उसके 5 लड़ाके मारे गए हैं, इनमें हिजबुल्ला के वरिष्ठ सांसद का बेटा भी शामिल है। हिजबुल्ला ने बयान जारी कर बताया कि इजरायली हमले में हिजबुल्ला के संसदीय गुट के प्रमुख मोहम्मद राद के बेटे अब्बास राद की मौत हुई है। हिजबुल्ला की ओर से मारे गए 4 दूसरे लड़ाकों की पहचान और फोटो भी जारी की है। मोहम्मद राद के परिवार से जुड़े एक सदस्य के मुताबिक हिजबुल्ला के वरिष्ठ सांसद मोहम्मद राद के बेटे अब्बास राद को बीट याहून के एक घर में इजरायली हवाई हमले में मार गिराया गया। इस हमले के दौरान कई लड़ाकों की दक्षिण लेबनान के बीट याहून में एक घर पर मौत हुई। हिजबुल्ला के संसदीय गुट के प्रमुख मोहम्मद राद के बेटे अब्बास राद का मारा जाना हिजबुल्ला के लिए बहुत बड़ा नुकसान माना जा रहा है। बेशक हिजबुल्ला पर इसराइल ने ताबड़तोड़ हमले करके उसके ठिकानों को तबाह कर दिया हो, लेकिन यह भी सच है कि हमास की तरह हिजबुल्ला इसराइल के सामने जरा भी कमजोर नहीं है। हिजबुल्ला के पास ईरान से मिली घातक मिसाइलें और रॉकेट मौजूद है। 65,000 हिजबुल्ला के लड़ाके अमेरिकी और इसराइल की स्पेशल फोर्स की तरह ट्रेंड है जो इसराइल में घुस कर हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्ला पिछले 2 हफ्तों से इसराइल को धमकी दे रहे हैं कि अगर गाजा में इसराइल ने हमले बंद नहीं किए तो फिर इसराइल को खून के आंसू रोने पड़ेंगे। شهدنا في الايام القليله الماضيه موجه جديده من التهديدات من نتنياهو من جالنت من جانيتس من اخرين باتجاه لبنان وسببه هو ارتفاع مستوى القلق باتجاه ما يجري في هذه الجبهة وارتقائها كما ونوعا وعمقا طبعا نحن سنستمر في هذا الموقف في هذا الأداء لبنان کی طرف سے اسرائیل پر پچھلے ڈیڑھ مہینوں میں 35 سے زیادہ بڑے حملے ہو چکے ہیں حملوں کے جواب میں ہی اسرائیلی سینہ نے حزب اللہ کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا ہے इसराइल के हमलों में हिजबुल्ला की टेररिस्ट सेल और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए। अब तक इजरायली हमले में लेबनान में 107 लोग मारे गए हैं, इनमें से 14 नागरिक हैं। अगर हम हिजबुल्ला के लड़ाकों की बात करें
इसराइल से जंग में अब तक हिजबुल्ला के 79 लड़ाके मारे जा चुके हैं। इसके अलावा इसराइल ने सीरिया में भी हिजबुल्ला के 7 लड़ाके मार दिए हैं। वहीं हिजबुल्ला के हमलों में इसराइल के 6 सैनिक और 3 नागरिकों की अब तक मौत हो चुकी है। אני כבר רואה את האזרחים של עזה הולכים עם דגלים לבנים לאורך החוף ונעים דרומה. וחיזבאללה גוררת לבנון למלחמה שעלולה לקרות. והוא עושה טעויות. אם הוא יעשה טעויות מהסוג הזה כאן, מי שישלם את המחיר זה קודם כל אזרחי לבנון. מה שאנחנו עושים בעזה אנחנו יודעים לעשות בבירות. वहीं दूसरी तरफ पिछले 18 घंटे में इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी से लेकर लेबनान बॉर्डर तक हमास और हिजबुल्ला के लड़ाकों की लाशें बिछा दी हैं। महज 1 घंटे के अंदर इजरायल ने हमास के 100 लड़ाकों को भयानक धमाकों से उड़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला के लड़ाकों को इजरायल ने इस तरह से टारगेट करके मारा है कि मरने वाले हिजबुल्ला लड़ाकों को अपने मरने का एहसास तक नहीं हो पाया। इसराइल के आईडीएफ ने जोरदार धमाकों से हमास और हिजबुल्ला लड़ाकों के चीथड़े उड़ा दिए हैं। हिजबुल्ला के पास ऐसे रॉकेट हैं जो इसराइल के किसी भी हिस्से को टारगेट कर सकते हैं। इसका अपना एक सशस्त्र विंग है जिसमें 1,00,000 से ज्यादा लड़ाके बताए जाते हैं। इसके अलावा हिजबुल्ला के पास 1,50,000 मिसाइल होने का दावा किया जाता है। हिजबुल्ला लेबनान की सेना से भी ज्यादा ताकतवर है। इसके पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। हिजबुल्ला हमास से ज्यादा संगठित और ताकतवर है। हिजबुल्ला के पास इसराइल से लड़ने का खूब तजुर्बा भी है। उसके पास सबसे घातक आत्मघाती दस्ते हैं। गुरिल्ला युद्ध में इसके लड़ाके माहिर बताए जाते हैं। लेबनान, ईरान और सीरिया, ये 3 देश तो इसराइल से खूनी बदला लेने पर उतारू हो चुके हैं। हिजबुल्ला के साथ साथ हुती विद्रोही भी इजरायली सेना पर हमला करने लगे हैं। अब खबर आ रही है कि कई मुस्लिम देशों ने कहा है कि अगर इसराइल ने सीज फायर के दौरान भी हमले जारी रखे तो फिर दुनिया इसराइल की तबाही और बर्बादी की तस्वीरें देखेंगी। फिर ना तो इसराइल को अमेरिका बचा पाएगा और ना ही ब्रिटेन और जर्मनी। हिजबुल्ला हुथी का हमला, नक्शे से मिटेगा इसराइल। इधर ईरान इस्लाम के नाम पर मुस्लिम मुल्कों को इसराइल के खिलाफ युद्ध करने के लिए भड़का रहा है, लेकिन 62 साल के ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने तो साफ कह दिया है कि हमें ऊपर वाले के नाम पर इसराइल के क्रूर हमलों के खिलाफ एकजुट होना होगा और इसराइल के भीषण हमलों का जवाब देना होगा। ملت‌های مسلمان این را مایه ننگ خود می‌دانند که در زمانی که خون برادرانشان در غزه بر زمین می‌ریزد دولت‌ها برای منافع اقتصادی سوخت ماشین جنگی اسرائیل را تأمین کنند.